तो फ्रेंड्स आज वीडियो आम इंडियन पोस्ट जीडीएस विषय में पूरा कंप्लीट डिटेल्स जानवा वर्तमान फॉर्म पड़ी प्रत्येक वर्ष आसता है तेज ये जीडीएस दशम श्रेणी पास और केवल दशम श्रेणी पास एग्जाम नुह एग्जाम आप फॉर्म पकड़े और चाकरी पाइबे सहित एयस अठर वर्ष रु चालीस वर्ष जनरल ओके तेज समस्त इंटरेस्टेड और पोस्ट कम बाहर एथर पर पोस्ट ऑल इंडिया रे 38,925 बाहर एवं 3,660 पोस्ट बाहर ऑल ओडिशा पाई तबे सब प्रकार एथरे एक्साइटमेंट अछि तबे जदि आपन जानिया पई चाहुचोती तबे वीडियो कंप्लीट डिटेल्स जानतु कारण प्रत्येक वर्ष बाहर मु यार रिलेटेड आपन माने बहुत सारा मेसेज करचोती मु डिफेंस पिला मानु स्पेशली कहिबी जे आपन माने वीडियोटा कंप्लीट देखंतु तापर आपन इच्छा करबे जे एटा पकेबा उचित बा पकेबा अनुचित तो ये पोस्ट आ गोटे खासियत होला या जे आपन निजो डिस्ट्रिक्ट निजो पंचायत निजो ब्लॉक भीतर भी रहिबे ब्लॉक रे जते पोस्टल ऑफिस अछि सेइति पाखापाखी रही है तेज पाखापाखी रही है जस्ट मैट्रिक पास कौन से एग्जाम देखा पड़ोनि फॉर्म पकड़े चाकरी पाए एभलिया चाकरी कौन अच्छी नहीं कितु कंप्लीट या भितर कौन डिमेरिट आ मेरीट ये सब जिन जानतु आप चाकरी जब पाँच कहीं बारंबार बहुत सारा पिला ये चाकरी छाड़ कहीं प्रत्येक वर्ष एत प्रकार पोस्ट बाहर तो ये रिलेटेड पूरा कंप्लीट डिटेल्स जानतु तापर इच्छा हम जब पकड़े ना ना तुम जब खाली टेन्थ पास रखी तेज टेन्थ पास समस्त टेन्थ पास तो समस्त पकड़ा उचित निहती तेज पकड़े कौन मैंने चाकरी पाए कौन मैंने चाकरी पाए ना को मात्र सीमा आम 38,000 पोस्ट ऑल इंडिया देखने किंतु 3,660 ऑल ओडिशा देखने किंतु आम प्रकृत में कतटा पोस्ट हकदार ओके ये सब कंप्लीट डिटेल्स आम जीडीएस रिलेटेड ये वीडियो में जानवा तेज प्रथम मुझक एथर जो फॉर्म बाहर तेज मुझे डेस्क्रिप्शन लिंक देदेवि आप वेबसाइट में पहुंची पारे और प्रथम आपड़ी नोटिफिकेशन में क्लिक करके डेस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन क्लिक कले आठ पूरा फुल इंडियान पोस्टर नोटिफिकेशन पारे मुझे आपको नोटिफिकेशन देखे दूँ कंप्लीट बुझेदेवि तापर आप पकड़ा चाहिए जब पकड़े प्रत्येक वर्ष बाहर एथर पर जो बाहर 2 मे जून 5 तारीख पर्यंत फॉर्म पड़ी ओके एवं एथिपाई ये जो पोस्ट आसी दुईटा पोस्ट अच्छी गोटे हूँ बीपीएम गोटे हूँ एबीपीएम मुझे ये कौन तार रिलेटेड कि सालेटा जानतु आप सेंट्रल गवर्नमेंट चाकरी आपको मिनिमम तो आप 4 घंटा आपको से कम करने पड़ा 4 घंटा 5 घंटा ओके बेसी भी नुह तेज एथि आपको 12,000 टका मिले एबीपीएम आपको 10,000 टका मिले आपको घर पाखापाखी एरिया भी आपर पोस्टिंग ओके तेज एथे ये जो चाकरी बर्तमान जो फॉर्म पड़ी जब आप पकड़ा चाहूंट लास्ट डेट आप जान लें जून 6-5 तारीख अच्छी यार रेजल्ट आपको परीक्षा देखें पड़ो ऑल इंडिया लेवल में एका साथी आपसाथ रेजल्ट बाहर आप एरिया आप डायरेक्ट सेठी चाकरी पाए तेज एथे प्रथम आम जाना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानवापर कौटे आपंक एरिया कैसे पोस्ट अच्छी कौटी कौन पोस्ट अच्छी सब देखेबी आप देखिपारे और इच्छा हेल्ला पकड़े ना पकड़े ना ओके प्रथम कथा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्राइटेरिया 18 वर्ष मिनिमम मैक्सिमम रोज 40 वर्ष जदि आप बयस 18 रु 40 वर्ष होता है तेल आप आवेदन करेंगे ये एतिक नुह रिलैक्सेशन अच्छी ओबीसी पिला 3 वर्ष एससी एसटी 5 वर्ष रिलैक्सेशन तेज एससी एसटी पिला 45 पर्यंत ओबीसी पिला 43 पर्यंत देपारे ये गोटे कथ मन रखु एससी बीसी पिला से सेंट्रल गवर्नमेंट चाकरी से ओबीसी नुहंती से आप 40 वर्ष पर्यंत देपारे तेज एससी बीसी पिला यूआर काउंटिंग हे सहित जो मैंने इकोनोमिकल विकर सेक्शन रही है रिलैक्सेशन ना सी अच्छे 40 वर्ष पर्यंत और जो मैंने फिजिकाल हैंड उथ डिजाबिलिटी रही है फिजिकाल हैंडिकप्ट तो से नॉर्मल जनरल पिला 10 वर्ष जो मैंने ओबीसी से 13 वर्ष एससी एसटी पिला 15 वर्ष पर्यंत रिलैक्सेशन अच्छी एज जान लें ओके जाना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शिक्षागत योग्यता शिक्षागत योग्यतार जस्ट दशम श्रेणी पास रखी जब आप दशम श्रेणी पास करके तब आप आवेदन सहित आप गोटे रही एलिजिबिलिटी रहा दरकार आप जो जगह फॉर्म पकड़े जोटी पकड़े आप 4-5टा जगह देते सही आप गोटे जगह हम तेज आप एरिया आप पंचायत आप ब्लॉक भितर गोटे 2-3टा जगह देते जो आप पोस्ट वैकेंसी अच्छे से कहबी सब कंप्लीटली वेट करूँ तेज से आप लोकल लैंग्वेज जानवा दरकार एवं कंपलसरी आप लोकल लैंग्वेज से एरिया जानवा दरकार मैंने आम ओडिशा ओडिशा ओडिया आप जानवा दरकार सहित आपर साइकिलिंग नॉलेज थी दरकार साइकिलिंग आप जानवा दरकार आम एज जान लें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जान लें जाना फॉर्म पकड़ा फॉर्म कमी पकड़े ना जीडीएस इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन .in साइट रे आप फॉर्म पकड़े ये 100 टका लगुच एससी एसटी और फिजिकल विथ डिजेबिलिटी पिला ओके ए कौन पैसा पड़ा
नाही एवं ए जो फॉर्म पकेबे ए फॉर्म टा पकेया पूर्व आपन डॉक्यूमेंट कोन कोन लागिबो आपन जानि रखंतु डॉक्यूमेंट लागिबो आपनकर मैट्रिक सर्टिफिकेट आ मार्क्स सेट ओके बापा नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डेट ऑफ बर्थ जेंडर कम्युनिटी फिजिकल जदि फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आ आपन मैट्रिक रे लैंग्वेज ओडिया लैंग्वेज अछि कि नाही ओके एवं ता सहित आपन 10th पास करथिया दरकार एवं आपनकर 10th पास को वर्ष पास करचोंति पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर एतिकि ही आपन मानकर आवश्यक हबो एवं ए जो फॉर्म टी पकेबे से फॉर्म फास्ट आपन जानंतु जे एथरे जो दीटा पोस्ट ये दीटा पोस्ट कोन ये होछि आपन डॉक्यूमेंट अपलोड करय पई पडबो ये होछि आपन मानकर जॉब प्रोफाइल रे बीपीएम माने ब्रांच पोस्ट मास्टर ता पई आपन 12000 साल रहबो ओके आउ गोटे रहछि जोटा कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम जोटा डाक सेवक रहछि ओके ये दीटा पई एबे हम जानिबा कोठी आपन एरिया रे केते पोस्ट कोठी अछि ताको जानिला परे जाई कि आपन एथरे मधे एबीपीएम रहछि ता सते डाक सेवक मधे रही ओके जब प्रोफाइल टा देछि कंप्लीटली एवं ताकर ड्यूटी मध्ये आपन कर कोन कोन सेटा मध्ये देछि कि हम पोस्ट जानिबा जे आपन कर एरिया रे केतरा पोस्ट अछि तापर आपन फॉर्म केमिति पकेबा और सिलेक्शन क्राइटेरिया कोन रहइबो केमिति रहइबो वो आपन को कहि दउछि किंतु हम देखिबा आपन कर एरिया रे केते पोस्ट अछि तो से आम तर ऑफिशियल वेबसाइट को आसवा ऑफिशियल वेबसाइट को आसला आमर स्टेट रोचे ओडिशा ओडिशा उपर आम क्लिक करवा ओडिशा रे क्लिक कला आम प्रथम ये देखा जे आमर कौ मैंने सर्कल जाऊँगी मन करूँ आपण डिस्ट्रिक्ट भद्रक डिस्ट्रिक्ट जो जो सर्कल अच्छी से ही सर्कल आप सब देखिए गोटे आस्का रही बलांगीर रही तेज आप निज समूह करते भद्रक सर्कल देखापी चाहिए ये आम सिलेक्शन डिजन मार सिलेक्शन डिजन मारिकी आम भ्यू पोस्ट देखिपर मैंने आप जो एरिया आपठ मारे मारापर ये मन करूँ भद्रक मुझे गोटे देखे दूसरी आप समेत देखिए तो आपर कौटी पोस्ट अच्छी पोस्ट देखिए आप पकड़े सिलेक्ट डिजन भद्रक कले जो एरिया से एरिया कले से ही एरिया सिलेक्ट कलापर तर भ्यू पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे मुझे ये देखिए जो आपण एरिया कौटी के पोस्ट अच्छी ये आप देखते जो 120 पोस्ट एठी अच्छी ओके तेज 120 जो पोस्ट अच्छी ये कौ जगह कौ एरिया कौटी के पोस्ट अच्छी आपठे देखीदे जे आपण एरिया कौटी मन करूँ यहाँ भद्रकर जो जो जीडीएस एबीपीएम रही कौ पोस्ट पुणी अच्छी कौन लोकल लांगुएज कौन पिनकोड कौन यह जाणी आपड़ हिसाब से पकेबे मन करूँ एटी आप देखु ये गोटे भद्रकर मुझे एग्जांपल दे कहकर बाघुआ ब्रांच ऑफिस बीओ माने ब्रांच ऑफिस रे जीडीएस एबीपीएम एवं डाक सेवक ओके एससी मैं एससी कैटेगरी पाई जोटा सैलरी तार 10000 रही गोटे पोस्ट अच्छी तो ये जो मैंने पकेबे फॉर्म एटा को जो मैंने सिलेक्ट करेंगे तेज से गोटे पोस्ट एससी पिला माने भीते ही से पाइबे ओके तो ये रोचे जीडीएस बीपीएम रोचे फिजिकल विथ डिजेबिलिटी ये पोस्ट रोचे 12000 रोचे 12000 माने आपणकर बीपीएम माने ब्रांच पोस्ट मास्टर ओके एवं गोटे पोस्ट रही हिसाब से आपण मैंने देखुवे जोटी यूआर अच्छी से समस्ते आवेदन करेंगे यूआर पर एससी बी सी ओबीसी एससी एसटी समस्ते आवेदन करेंगे किंतु जोटी ओबीसी अच्छी से यूआर पिला आवेदन मानने से करसी रे पोस्ट पाई ना ओबीसी पिला ही ओबीसीटा पाइबे किंतु एससी एसटी पिला जब ओबीसी पर आवेदन करूँ पाइपर एसटी जो अच्छे केवल एसटी पिला पाइबे यूआर जो अच्छे समस्ते आवेदन करेंगे ओके तेरे से हिसाब से जो यूआर अच्छी आपड़ा जब देखुं आपंकर जो मानने जीडीएस आपंकर जो मन कर भद्रक बीरस अच्छी बीरस पंचायत आपंकर एसटी पोस्ट गोटे अच्छी जीडीएस एबीपीएम डाक सेवक एसटी पोस्ट गोटे अच्छी ओरिया एवं तार पिन नंबर देखिए या ओडिया लांगुएज जानते दरकार जब से यूआर पिला पका एससी पका एसटी जी भी पकाते से तो एसटी गोटे पोस्ट अच्छी यूआर पिला पाइबे ओबीसी पिला पाइबे एससी पिला पाइबे जी एसटी पिला पकई थी तार जिते मार्क कम रोना कहीं सी ही पाइब ओके एबे बुझिपाले एबे मु सिलेक्शन क्राइटेरिया जितने कह भी आपने जापरेंगे तेरे सबुठ केवल गोटे गोटे पोस्ट ही अच्छी ओके केवल गोटे गोटे पोस्ट ही से सब जगार अच्छी आप भल भाव देखिपे सालरी सहित पोस्ट गोटे कि दुटा देती सबूठी तेज आम जाने मन करूँ आप गोटे भद्रक डिस्ट्रिक्ट आप बासदेवपुर ब्लक्र पिला तेज आप जोटी की चाहिए आप चूड़ामुनि बीओ को पकई पारे आपठ एससी अच्छी आपड़ी एससी पिला पकई पारे आप एस टी जो अच्छे पकई पारे जो युवा आप मन करूँ गोटे आप युआर पिला
ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ବିରସରେ ଏସ୍ ଟି ଅଛି ପକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ୟୁଆର୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଠି ସେଇଠି ହିଁ ପକେଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ତେବେ ଏଠି ଆପଣ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗା ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନରେ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ୟାରି ଭିତରୁ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଚାହିଁବେ ସେ ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁଠିକି ଚାହିଁବେ ସେଇଠିକି ହିଁ ପକେଇ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ସିଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ୟାର ସିଲେକ୍ସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ, କାହିଁକି ନା ମେଟ୍ରିକ ପିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଫର୍ମ ପକେଇବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମନେ କରନ୍ତି ୟୁଆର୍ ଅଛି ସେଠିକି ତ ଜଣେ ପିଲା ଫର୍ମ ପକାଉନି, ସେଠି ତ 50-100 ପିଲା ବି ଫର୍ମ ପକାଉଛନ୍ତି, ପାଇବ କିଏ? ସିଲେକ୍ସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କର 10th ମାର୍କ, ଆପଣ +2 ମେଟ୍ରିକ ମାନେ +3 ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, 10th ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଠି ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହିସାବରେ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିଦେବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ କିଏ ରଖିଛି, ସେଇଠି ସେଇ ପିଲା ହିଁ ସେଇଠି ପାଇବ। ଏଇଟା ହେଲା ସିଲେକ୍ସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ରୁଲ୍ ରହିଛି ସେ ରୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ନିଜ ନିଜର ସବୁ ସର୍କଲ ଚେକ୍ କରିନେବେ, ଏବଂ ସର୍କଲ ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେଖିକି ଆପଣ ପକେଇବେ ଫର୍ମ। ଓକେ, ସିଲେକ୍ସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଦେବି କେଉଁମାନେ ପକେଇବା ଉଚିତ, କେଉଁମାନେ ପକେଇବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସିଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ ରହିବ ସିଷ୍ଟମ ଜେନେରେଟ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ। ସିଷ୍ଟମ ଜେନେରେଟ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ, ଓକେ, 10th ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, ଯାହା ଫୁଲଫିଲିଂ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଏଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ସେଇ 10th ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ, ଅଲଗା କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରାଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ପକେଇବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ ରହିଛି ସେ ମାର୍କ A1, A2 ଏ ସବୁ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ 100-90.5 ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେବ। କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ ହେବ, ଏ ସିଲେକ୍ସନର ରେଜଲ୍ଟ, ଓକେ, ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ 15/11/2022 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ସବୁ ଆସିଯିବ। ଓକେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କେଉଁଠି କାହାର କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିଲା ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଇଏ ସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ, କେବଳ ଓନ୍ଲି ମେଟ୍ରିକ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିବ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ସେଇ ଗ୍ରେଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇକି ଦେବ। ତେବେ ହାଏଷ୍ଟ ମାନେ ଫାଇନାଲ କଥା ହେଲା ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କଟା ରହିବ, ମନେକର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଠି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ST ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା SC ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ମାର୍କ କମ୍ ଯିବ ବା ବେଶୀ ଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଗ୍ରେଡ୍ ହିସାବରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁ କାଟେଗୋରିରେ ଯିଏ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଥିବ ସେ ହିଁ ପାଇବ। ଓକେ, ତେବେ ଏଇଟା ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜାଣିଲେ। ଏଠି 2 ଖଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇଛି, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ କି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟେରେଟ ଉପରେ ମାନେ ମୁଁ ତାର ନଲେଜ ଅଛି ବା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଇ ୟୁଜ୍ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଡିଭାଇସ ଏସବୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବାଇସାଇକେଲ ବା ସ୍କୁଟର ମୋଟର ବାଇକ୍ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ରାଇଡ଼ କରିପାରିବେ, ଏ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଫର୍ମ ପକେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ସେଠି ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବେ। ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଆପଣ ଯଦି ଫର୍ମ ପକେଇବେ ସେହି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଏଇଟା ଲେଖିକି ଆପଣ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର ମାରିକି ବି ପକେଇପାରିବେ। ତେବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ପକେଇବା ଉଚିତ, କେଉଁମାନେ ପକେଇବା ଅନୁଚିତ। ଓକେ, ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ GDS ଗୋଟେ ଚାକିରି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଫର୍ମ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ BPM ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ABPM, ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି, ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ସେଇଠି ହିଁ ପକେଇପାରିବେ। ତ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା indianpost.gov.in ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ପକେଇବା ଉଚିତ, କେଉଁମାନେ ପକେଇବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଆର୍ ପିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଯଦି ହାଏଷ୍ଟ ନ ରହୁଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠି କଟିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ 3rd କ୍ଲାସ୍, ଆପଣ 2nd କ୍ଲାସ୍, ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମାର୍କ ଅଛି ସେମାନେ ପାଇବେ ନା। ତ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ SC ST, ତ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ତ ପକେଇବେ, 100 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଫର୍ମ ପକେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପକେଇଥିବେ, ଏଠି ସେମାନେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ପାଇବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ସେମାନେ ଏଇ 12,000 କ'ଣ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରାୟତଃ 85-90-70 ପରେ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ ଯାଉଛି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏହା, ଯଦି ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ହୋଇଥିବେ ଡିଜାବିଲିଟି ପିଲା ପକେଇବେ, ST ପିଲା ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ପକେଇବେ, SC ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି, UR ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାର୍କ ମିନିମମ 60% ଏଭବ୍ ଯଦି ଅଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି 60% କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଆପଣ ଖାଲି ସେମିତି ଫର୍ମ ପକେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବାହାରୁ ନଥିବ।
रिजल्ट रे जणा ही पाउथो आ काहे कि ये चाकरी की प्रायत अधिकांश पिला चाकरी पाइला पर छाडंती एथि काहे कि प्रत्येक वर्ष पोस्ट अधिक आसुची कारण हला या एथि सिलेक्शन मैट्रिक रे जो मन मन करंतु मैट्रिक रे जणा पिला 95 रखिछि से पखे दलाटा तर सिलेक्शन हेगला एवं से पाइला 4 घंटा काम कला 12000 पाइला एवं 95 रखितिया पिला से 12000 बीपीएम रे 6 मास काम कला बारकु से अलगा आडे चाकरी पखे कि से पळे जाउछ फोनि वैकेंसी पडुछ तो आम एरिया रे मधे एक्जेक्टली 6 मास तळे जे कि आम घर ने डाक भाग दउथले तो तार सहित हम कथा होतली से फोनि चाकरी छाडी आउडे चाकरी पाइलेनी तो एथि कहिवार उद्देश्य होला या एथि जदि ए चाकरी लो लेवल गुडे एग्जाम करे कि दिया हो थांता ताहाले जो माने चाकरी पाइले तो से माने ये चाकरी छाड़ी आउ जानते ना किंतु जो माने हाईएस्ट मार्क रखिक चाकरी पाचर से छमास भितर से चाकरी छाड़ दौरान तो पुणी से वैकेंसी पड़गला तो पोस्टाल से पोस्टाल पुणी निजस्व तार घर फर ना से कौ स्कूल कौटी क्या पंचायत अफिश्रे कौटी एटी फटी बसिक काम करेंगे तो से गोटे मैंने मार्क हाएस्ट मार्क रखी 4 घंटा काम करेंगे 10,000-12,000 ठीक से लगुनी से पाचन चाकरी और सपोर्ट पर चाकरी करके अलग चाकरी कर पलिं ये चाकरी पुणी वैकेंसी पड़ा एटे दुईटा जिनस आम जानले गोटे है ये चाकरी जिते बड़े बाहर से जो मैंने हाएस्ट मार्क रखी बर्तमान किसी ना हाथ में चाकरी पाइना से पकई दौरान पाँच जपर्यंत चाकरी पाइना ये कर चाकरी पाइले छाड़ दौरान ओके तो ये आउ गोटे कथ रहा है मेट्रिक टेन्थ जो रिटिन एग्जाम होती हूँ तालोले जो मैंने लो लेवल अधिक मार्क रखिक पाई जाते हैं छाड़ते ना जानते अलग चाकरी हो पारे चाहे भी हूँ बर्तमान आपने चाहूँ पकेबापी पकई पारे एटा प्रत्येक वर्ष तो प्रायत ही आसूँ एटा पोस्टाल पोस्ट ओके डिटेल्स जानने जदि भी आपर पूरा डाउट रो कि भी डाउट रही है ये कम्प्लीटली आप पीडीएफ फाइल मुझे टेलीग्राम छाड़देवी नचे ऑफिशियल वेबसाइट रू डाउनलोड करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में पाइबी आप सहित शेयर करदे तेरे एटी गोटे कथा है आम डिफेन्स पिला जदि आप चाहते जो आपर्यंत चाकरी होना डिफेन्स पुलिस जाए चाहते फर्म बाहर और मार्क आप हाएस्ट मार्क अच्छी मेट्रिक सब हाएस्ट मार्क अच्छी आपड़ा गोटे एंगेजमेंट आप एरिया हाँ चाहते तेरे यहाँ पकई देखिए आपकी रिजल्ट आसला बेलू जब अलग चाकरी जाइए ना चाहिए यहाँ को करेंगे जो रिजल्ट अलग चाकरी होगा तार यहाँ छाड़देवे ओके तो ये है पूरा डिटेल्स आज रोचे धन्यवाद।